आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। बैठो, मैंने एक नया राग बनाया है, तुम्हें सिखाता हूँ, तुम सुनो और मेरे साथ साथ गाओ। ओके नाना जी, सुनाइए। कैसे आ गई? मैं तो शिवा को सिखा रहा था। क्या आप भी गाने में इतने मगन हो जाते हो कि और कोई सुध ही नहीं रहती? अभी तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर आए कि चलो गाना सिखाता हूँ। अब जब मैं सीख रही हूँ तो बहाने मत बनाओ। हाँ चलो, कोई नहीं, आओ तुम ही सीख लो। एक गुरु के लिए सारे शिष्य एक बराबर होते हैं। ध्यान लगाओ। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो तुम्हारी नानी रियाज कर रही थी। नाना जी, मैं तो खाना बना रहा था, आप ही मुझे गाना सिखाने के लिए किचन से बुला लाए। तुम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। नाना जी, ये नानी आपसे मस्ती कर रही है। अच्छा, ये बात है। अब भीम सिंह, तुम्हें शाम तक मेरे साथ बैठकर रियाज करना पड़ेगा। अरे नानी बचाओ, नाना के साथ गाना। आज की ताजा खबर यही है कि कल रात से पूरे वेदास सिटी में भेड़िये का आतंक फैला हुआ है। भेड़िया लोगों के पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। आइए हमारे अपने लड्डू सिंह जी से इस बारे में और अपडेट लेते हैं। लड्डू सिंह जी बताइए। अरे कहना क्या है, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर अगर कोई शेर आ भी जाता है तो लोग कहते हैं कि भाग जा वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। शेर ये सुनते ही दुबक कर भाग जाता है। फिर ये तो एक छोटा मोटा सा भेड़िया है। वेट एंड वॉच, मैं इसका क्या हाल करता हूँ। ये थे लड्डू सिंह जी जिन्होंने भेड़िये को पकड़ने का विश्वास दिलाया है। वैसे ही नींद नहीं लग पा रही, ऊपर से जगाने आ गए। जाओ कहीं और जाके चिल्लाओ। भेड़िये की न्यूज़ सुनी?
हमारे घर के पास किसी की बकरी पकड़ कर ले गया। क्या? भेड़िया? पर शहर में भेड़िया क्यों आएगा? जरूर कोई भेड़िया जैसा दिखने वाला एलियन होगा। यूडी, तुम्हें एलियन के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं? जाने भी दो ना रेवा, अभी ये सोचना है कि भेड़ियों को कैसे पकड़ा जाए। मुझे लगता है हम सबको रात में पेट्रोलिंग पर निकलना चाहिए और लड्डू सिंह जी को भी बुला लेंगे। ओके शिवा। लड्डू सिंह जी? हाँ हाँ शिवा बोलो। ओके ओके ठीक है शिवा, हम भी पहुँच जाएंगे। ये शिवा तो मुझे भेड़िया का खाना बना कर ही रहेगा। लड्डू सिंह जी आप और पिगड़ा राम उधर जाए, रेवा एंड आदि तुम दोनों उस रोड पर जाओ, जिसको कुछ भी पता चले मेन क्रॉसिंग सिग्नल पर मिलना। ओके शिवा। ये तो हमारे डॉगी की आवाज है यूडी। रेवा, लड्डू सिंह जी, तुम लोग बाजू वाले रोड पर आ जाओ, डॉगी किसी खतरे में है। कम फास्ट। भेड़ा राम, गाड़ी बगल वाले लेन में ले चलो, पर भेड़िये से दूर रखना। ओके सर। शिकार करना है तो जंगल में जाओ, ये इंसानों की रहने की जगह है। लड्डू सिंह जी, इस भेड़िये को पकड़ के दूर जंगल में भेजने का इंतजाम करना होगा। शिवा यू डोंट वरी, जानवरों को पकड़ने का मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सुनो मेरा आइडिया, सुनो। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन खतरा है। मैं आपके ऊपर दूर से नजर रखूंगा। शिवा बेटा, सब खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखना, उन भेड़ियों का भरोसा नहीं, कब घर में घुस आए। ओके नानी, गुड नाइट। यही तो वो जगह है जहाँ हम उस भेड़ियों को ट्रैप करेंगे। ये बकरी की खाल तुम पहन लो, वो भेड़िया शिवा के डॉगी का शिकार करने यहाँ जरूर आएगा। मैं ऊपर पेड़ पर पिंजरा लेकर बैठा रहूँगा, तुम बकरी बनकर मैं करना। Okay. और जैसे ही भेड़िया तुम्हें खाने पेड़ के नीचे से निकलेगा, मैं पेड़ पे से पिंजरा उसके ऊपर डाल दूंगा। कैसा लगा भाई मेरा फुल प्रूफ प्लान? कैसा लगा? मुझे ऊपर वाले के पास पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान है सर। मुझे तो बकरी की तरह मैं करना भी नहीं आता, आपको आता है क्या सर? रेड़ा राम, तुम भी एकदम अनाड़ी हो। लो सुनो, मैं वाह सर वाह, आपने ये टैलेंट कहाँ छुपा रखा था अब तक? ये एकदम असली बकरी की आवाज लग रही है। क्या आप पहले एक्टिंग करते थे? एक्टिंग? अरे मैं तो स्कूल कॉलेज में इतनी अच्छी एक्टिंग करता था कि लोग कहते थे कि हमारे घर के 50-50 किलोमीटर दूर मेरे जैसा कोई एक्टर नहीं है, समझे? सर, फिर तो ये मेन रोल आप ही करेंगे, बकरी का रोल आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। सोचिए
जब आप भेड़िये को पकड़ेंगे और आप टीवी पर न्यूज में आएंगे तो आपकी एक्टिंग की कितनी तारीफ होगी। मैं स्पोर्टिंग एक्टर की तरह पेड़ पर बैठूंगा और ऊपर से पिंजरा डालूंगा सर। पेड़ राम तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। लड्डू सिंह जी, अगर भेड़िया दूसरी तरफ से आ गया तो क्या होगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं शिवा, मैं तो सिर्फ जंगल के रास्ते के बारे में ही सोच रहा था। ये प्लान कैंसिल कैंसिल प्लान कैंसिल नहीं हो सकता सर, भेड़िया दूसरी तरफ से आ चुका है। लड्डू सिंह जी मैंने नहीं देखी। मैंने उसका शिकार छीना है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है, वो फिर आएगा। कैसा बेशरम है, बिना इनविटेशन के बार बार आ जाता है। आने दो से, इस बार हम उसे वेदा शहर में जो मेला लगा है वहाँ ट्रैप करेंगे। वेदा सिटी के मेले में? हाँ, अब सुनो मेरा प्लान। घर के टेरेस पर ही है। भेड़िया अकेला नहीं है, उसके दोस्तों को साथ लेकर आया है। क्या यार, तुम लोग मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गए हो। अरे वो छोटा सा मेरा पप्पी था, उसको तो मैं बचाऊंगा ना। जाने भी दो, ऐसी भी क्या दुश्मनी है। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ नहीं आई। Come on then. आने से रहे। शिवा, 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 शिवा।
आया मजा? यो चले थे लड्डू सिंह के इलाके में आतंक फैलाने। अब घूमते रहो कुएं के अंदर। वो तो मैं मैदान में आया ही नहीं, वरना इंस्पेक्टर की पैंट फाड़ दी। अरे पता चखाता हूँ तुम्हें। लड्डू सिंह जी, आपने भेड़ियों को पकड़ ही लिया। अरे मैंने कहाँ पकड़ा शिवा, पकड़ा तो तुमने है। थैंक यू शिवा। लेकिन अगर मैं टीवी इंटरव्यू में बोलूं कि भेड़ियों को मैंने पकड़ा है तो बुरा मत मानना।